नमस्कार, स्वागत है आपका INBCN के डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में। मैं हूं रत्नाकर आपके साथ। दर्शकों, हमारा शरीर जो है कई अंगों से बना हुआ है, लेकिन इसे कंट्रोल करता है हमारा दिमाग और हमारा दिल। जब ये कॉम्बिनेशन बहुत सही तरीके से चले तो एक अच्छी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी हम जी सकते हैं। लेकिन आज का हमारा रहन सहन, स्ट्रेसफुल लाइफ, और जो भी लाइफ हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें ज़रूर आती हैं, और जब वो दिल से और दिमाग से जुड़ी हो तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत बुरे भी हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचा जाए, इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे इनकाउंटर किया जाए, अगर ये चीज़ों के बारे में विश्लेषण अगर हम किसी विशेषज्ञ से करते हैं तो हमें एक गाइडलाइन जो बहुत सक्षम मिल जाती है। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निधीश मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर है न्यू ईरा हॉस्पिटल में, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे INBCN के न्यूज़ रूम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर निधीश मिश्रा है जी। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डायरेक्टर हूँ, आपने जैसे बताया, न्यू ईरा हॉस्पिटल में। मैंने MBBS 2001 में रीवा मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा MD इंटरनल मेडिसिन में मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद जो बेसिक मेरा डिग्री है कार्डियोलॉजी का, वो मैंने KEM हॉस्पिटल मुंबई से प्राप्त किया। और उसके बाद मैं एक साल वहाँ पे, डेढ़ साल करीब लेक्चरर था KEM हॉस्पिटल में जी, मुंबई जी। 2010 में मैं नागपुर आया, और पिछले 3.5-4 साल से हम लोग न्यू ईरा हॉस्पिटल में हैं जी। इतना सारा जो आपका जर्नी रहा है सर, वो आउट ऑफ नागपुर है, नागपुर चुनने की कुछ वजह? एक्चुअली मेरी वाइफ बिलोंग्स टू दिस प्लेस। फिर तो हक बनता है सर, फिर तो नागपुर वासियों का भी आप पर काफी हक बनता है कि वो भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें लिए हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट की बात हम करते हैं सर, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर की आज क्या स्थिति है हमारे नागपुर की या देश की हम अगर बात करें तो? देखिए, पिछले कुछ 10 से 15 सालों में नोटिस किया गया है कि हार्ट डिजीज़ के जो इंसिडेंस हैं इंडिया में बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर इस सब कॉन्टिनेंट में। और एक चीज़ और ये नोटिस की गई है, जो यंगर एजेज है, यानी कि हम आज की डेट में 35-30 ईयर्स, इवन 25 ईयर्स के लोग भी हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं आज की डेट में। तो कुछ ना कुछ कुछ चेंजेस आए हैं एटमॉस्फेयर में, रहन सहन में, लाइफस्टाइल में, स्ट्रेस में, जो कि ये बीमारियां यंगर एज में या कम एज में भी देखी जा रही हैं। ये एक नया ट्रेंड हमें पिछले 10 से 15 साल में मिला है, जो पहले देखने को नहीं मिलता था जी। सही बात कही सर आपने। आप अभी नज़दीकी न्यूज़ में भी अगर आप देखेंगे, यंग जनरेशन जो कि तंदुरुस्त हैं, गेम्स में हैं, और कई इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं कि गेम्स खेलते खेलते उनको कार्डियक अरेस्ट आए। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसा होने की क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, गेम्स में जो कार्डियक अरेस्ट की जो अपन चीज़ें बात करते हैं गेम्स में, पर्टिकुलरली कार्ड, स्पेशली मैराथनर्स या फुटबॉल प्लेयर्स, एक बड़ी स्पेसिफिक बीमारी होती है, इसको अपन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और ये कई बार जेनेटिक इसका वेरिएंट होता है, बेसिकली जेनेटिक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है। और फैमिली में सडन कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंसेस होते हैं, और ये ज़्यादा कॉमन होता है जब कोई सीवियर एक्सरसाइज, एक्जर्शन करता है। तो फुटबॉल में या मैराथनर्स में सडन कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंसेस पर्टिकुलरली इस बीमारी से लिंक्ड हैं। हाँ, इसके अलावा हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है, ये भी देखा जाता है, पर ज़्यादातर कॉमन जो है हम इसमें HOCM या हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात करते हैं ऐसे लोगों में जी। एक पहले ऐसा दौर आता था कि एक हार्ट अटैक जो है इस दौर, मतलब वो 55-60 के एक एज होती थी जी, है ना, और उस दौर में ही आता। तो अब ये कहानी जो है पूरी तरह से बदल गई है जी। हाँ। क्या प्रिकॉशंस आज की यंग जनरेशन ने लेनी चाहिए कि वो इस कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सके या हार्ट रिलेटेड बीमारियों से वो बच पाए? अगर आप गौर करें, आज से 15-20 साल पहले या उसके पहले हमारे पुराने लोगों की लाइफस्टाइल की अगर अपन बात करते हैं, तो पहले का जो लाइफस्टाइल था वो अलग होता था, और आज की डेट में लाइफस्टाइल एंटायरली डिफरेंट है, पूर्णतः अलग है। आज का जो युवा है, आज का जो यंग जनरेशन है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हर किसी को लगता है कि मैं इसके आगे निकलूँ, एक होड़ सी लगी हुई है, नंबर वन। नंबर टू है कि एक स्ट्रेसफुल हमेशा एक दिमाग में रहती है। तीसरा जो है अपने खाने पीने पर, रहन सहन पे, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा हम वॉक वगैरह नहीं करते, फूड का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीरेंज है, हम जंक फूड्स काफ़ी खाते हैं, बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं करते। और नींद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पहलू जो है इसमें, वो लैक ऑफ स्लीप है, लोग अच्छे से नींद नहीं लेते, लोग 5-6 आवर्स रात में देर रात तक मोबाइल पे चिपके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, और इसका असर हमारी हार्ट डिजीज़ और बाकी डिजीज़ पर भी पड़ा है। जैसे बात हो रही, और इस हार्ट डिसीज़ अगर हो तो सारा बॉडी का कंट्रोल कहीं ना कहीं आपका डैमेज हो सकता है, और फिर आने वाली लाइफ के ऊपर में भी आपका एक क्वेश्चन मार्क।
हो सकता है। सर बीमारियां जो है हार्ट से रिलेटेड आपके पास में काफ़ी आती होगी, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होती है सर फेस की, मतलब क्या क्या क्लासेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं? पहले तो देखिए हमें जानना होता है कि हार्ट की डिजीज़ यानी हार्ट की बीमारियाँ किस प्रकार की होती हैं। उसमें एक दो मेजर वैरायटीज़ हैं, एक तो कंजेनिटल वैरायटी है जो कि बच्चे को पैदा होने के साथ में ही होती है, जहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो इसको हार्ट में छेद है या होल है या हार्ट में राइट लेफ्ट चैम्बर्स का प्रॉब्लम है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर आती हैं। वो बीमारियाँ नॉर्मली अपन जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, बार बार सर्दी, निमोनिया, फीवर्स वगैरह की हिस्ट्री होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो अपन एको में स्क्रीन करके ये सब चीज़ें पता करते हैं और ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन दी किस टाइप की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से अपन उसको एडवाइस करते हैं। ये एक तो कंजेनिटल वैरायटी होगी यानी कि जन्मजात बीमारियाँ होगी, दूसरी जो है एक्वायर्ड यानी कि हमने जीवन में प्राप्त की हैं, ऐसी बीमारियाँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। उसमें एक वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होता है, एक शेमिक हार्ट डिजीज़ होता है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ या हार्ट के वाल्व से रिलेटेड होता है, कई बार कुछ लोगों को फीवर, रोमैटिक फीवर के बाद ये प्रॉब्लम्स पैदा होती है, उसमें वाल्व धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और आगे जाके 15 से 20 या 25 साल की उम्र में ये दिखने लग जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इसमें, इश्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसकी हम मोस्टली बातें करते हैं, जिसका प्रेवलेंस आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। ये तीसरी वैरायटी है। इसके अलावा कुछ लोगों को धड़कन फास्ट हो जाना, बहुत स्लो हो जाना, ये प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, इसे अब एरिथमिया डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो वो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं और इनका उपचार या बचाव डिपेंड करता है किस प्रकार की बीमारी से अपन, किस प्रकार की बीमारी को अपन ट्रीट कर रहे हैं। और ये भी एक इसमें देखना पड़ेगा ना कि जो सिम्टम्स आपको नजर आए उसको आपने कितने कम समय में अटेंड किया और आपने कितने कम समय में कंसल्टेशन किया। जी जी, अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी अपन उसको डायग्नोस करते हैं उतना ही अच्छा है। हार्ट अटैक को लेकर जो सिम्टम्स देखे गए हैं उसके बारे में भी आम जनता में काफी कंफ्यूजन रहता है, आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने सिम्टम्स को आप पहचानें कि ये हार्ट डिजीज के लक्षण हैं कि नहीं। एक वर्ड हम यूज करते हैं, एंजाइना। नॉर्मली क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज में हम जब नॉर्मली जब अपन वॉक करते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग हमें चेस्ट में फील होता है, ये दर्द हो भी सकता है और जिस तरह एक डिस्कम्फर्ट का फीलिंग आता है जो कि चेस्ट में होता है, बीच में होता है, कई बार ये गले में आता है, हाथों में आता है, और ये तब होता है जब अपन वॉक करते हैं। और ये हिस्ट्री अक्सर पेशेंट दिया करते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं वॉक करता हूँ, एक पहले तो मैं 3 किलोमीटर वॉक करता था, अभी सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीने में, चेस्ट में गले में, हाथों में एक हैवीनेस आ रही है, एक कसाव जैसा फील हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है और मुझे रुकना पड़ता है, और जब मैं रुकता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ये इस चीज़ को अपन एंजाइना बोलते हैं, एक्जर्शनल एंजाइना। और यही चीज़ जब बढ़ते बढ़ते बैठे बैठे होने लग जाए तो इसको अपन एंजाइना एट रेस्ट बोलते हैं। और ये जब आप वॉक करते हैं उसी समय पहचान लेना इसको अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब ये रेस्ट एंजाइना स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम कई बार अपने कंट्रोल से बाहर निकल सकती हैं। यानी जब एंजाइना की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स हमें अगर पता चल रहे हैं या हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, हाँ, तो ये हमारा काम बनता है कि हम तुरंत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, उसका कंसल्टेशन। इसके अलावा इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, लेकिन चलने पे पहले जो नहीं होता था अब हो रहा है, लेकिन पहले चलने पे सांस फूलना, चलने पे पसीना आना, अनइजीनेस होना, चक्कर आ जाना, कई बार खाना खाने के बाद हैवीनेस आना, और कई बार ये सिम्टम्स एसिडिटी से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है बहुत समझना कि एसिडिटी से कंफ्यूज ना हो हम। और एसिडिटी के बारे में एक चीज़ वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी एसिडिटी जो आपको पहले कभी नहीं हुई थी और अब हो रही है, तो आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और अपना कार्डियक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेदर इट इज़ कार्डियक से रिलेटेड है और वेदर इट इज़ गैस्ट्रो। जी हाँ, हम ट्रीटमेंट की तरफ बात कर रहे थे, ये तो हो गए सिम्टम्स और हमें पता चल रहा है कि अब इसके ट्रीटमेंट के भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस होंगी कि किस स्टेज पर कैसे कैसे आप कौन से स्टेज में आए तो क्या ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए नॉर्मली जब दो वेरिएंट अपन बात करेंगे, एक तो अपन फोकस कर रहे हैं केवल हार्ट के अटैक्स वाले प्रॉब्लम्स पे, वाल्व्स वगैरह में तो सीधा ये होता है, इको में अगर वाल्व ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो फिर उनके लिए ऑपरेशन वाल्व चेंज करना होता है। लेकिन जब ये बात करते हैं अपन हार्ट अटैक्स की, तो अगर पेशेंट या मरीज़ अगर पहले लक्षण में एक्जर्शनल सिम्टम्स जब उसको आए और पहले ही आ गया, तो अपन उसको ECG, एको, ट्रेडमिल करके आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव है तो अपन एंजियोग्राफी की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेज वगैरह है तो उसमें अपन सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं है तो अपन दवाइयों
उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के ऑप्शंस रहते हैं अपने। तो ये तो वो सबसेट हो गया जो कि एक्जर्शनल कंप्लेंट्स के साथ में प्रेजेंट करता है विदाउट हार्ट अटैक। दूसरा जो सबसेट है जो हार्ट अटैक के साथ में आते हैं, उसमें तो हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। कोई अगर सीवियर पेन के साथ में आया है और ईसीजी में दिख रहा है हमें कि हार्ट अटैक है, इमीडिएटली ईसीजी इज द फर्स्ट थिंग टू डू। तो ईसीजी में अगर हमें हार्ट अटैक दिख रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को हम इमीडिएटली ऑप्शंस देते हैं कि हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम इमीडिएटली वो आर्टरी में कहाँ ब्लॉक है, कहाँ क्लॉट हुआ है, उसको हम इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके अपन उसको ओपन कर दें, जिससे हार्ट का जो हिस्सा जिसमें वो खून का फ्लो या ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा उसको इमीडिएटली फ्लो मिलने लग जाए और पेशेंट को रिकवरी में हेल्प करें। डॉक्टर साहब, इसके आगे की स्टेज जो है, हम आपसे जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ, ये क्या है? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट आज की डेट में, हालांकि दुनिया में काफ़ी सालों पहले किया गया था, पर इंडिया में आज पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी हद तक किया जाने लगा है मेट्रोज में, और नागपुर में भी पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में हुआ है करीब 6-8 महीने पहले। इसमें जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, ये वो लोग हैं जिनका हार्ट का फंक्शन 20% या उससे कम होता है, जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती है, वो 100 मीटर्स भी वॉक नहीं कर सकते हैं, और उनको LVF जिसे हम बोलते हैं, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के एपिसोड्स होते हैं हार्ट कमज़ोर होने की वजह से हैं, और जिनमें और कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं जिसको अपन अपनाने की वजह से हार्ट इंप्रूव हो जाए, लाइक एंजियोप्लास्टी या बाईपास से भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पेसमेकर डिवाइसेज आते हैं लाइक CRT डिवाइसेज, उससे भी फ़ायदा है। तो सारे ऑप्शंस जब हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट एक अंतिम ऑप्शन होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनको अपन ऑफर करते हैं ऐसे लोगों में, और उनमें किया जा सकता है ये। आने वाले समय में भी हो सकता है कि ट्रांसप्लांट की जो आपने आपसे बात करते हुए ये पता चला कि काफ़ी सारी वेटिंग लिस्ट भी है, तो कैसे हम लोग इसको समाज में इसका अवेयरनेस हो, देखिए मैक्सिमम लोग जो है, देखिए आज की डेट में ट्रांसप्लांट इन जनरल काफ़ी लोगों को आज की डेट में अवेयरनेस हो चुकी है मीडिया के थ्रू, पेपर्स के थ्रू और अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, और लोगों को पता है कि आज की डेट में ट्रांसप्लांट जो हैं वो काफ़ी सारे बीमारियों में हमें हेल्प करते हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो या हार्ट ट्रांसप्लांट हो, और पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट भी आज अब होने लगे हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो पहले से ही हो रहा है। तो मुझे लगता है इसके लिए लोगों को अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, एक पब्लिक टॉक्स होने चाहिए, पब्लिक फोरम्स होने चाहिए, मीडिया के थ्रू भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो ही रही है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं लोगों में इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने में। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आई थिंक इस टॉक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा। देखिए, बेसिकली आज की डेट में जैसे हमें पता है कि हार्ट की जो बीमारियां हैं वो यंगर एजेस में आ रही हैं, तो सबसे पहला हमें अपने खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी है, और रोज़ाना एटलीस्ट हाफ एन आवर यानी आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के फॉर्म में, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो स्लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेज हो, या आप जिम करते हैं तो वो करिए, या जो भी है, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए नियमित रूप से ज़रूरी है। दूसरा, आप खाना जो है, भोजन जो है, नियमित लें, समय पर लें, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड्स अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके नेचुरल फूड्स लें, सब्जियाँ हो गई हैं, ग्रीन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका सेवन ज़्यादा करें, ऑयली और फैटी फूड्स, जंक फूड्स अवॉइड करें, पैक्ड फूड्स अवॉइड करें, जो मार्केट में जो पैक्ड फूड्स आता है, कुकीज़ है या जो भी है, तो पैक्ड फूड्स हमेशा घर में बना जो भी खाना है वो हमेशा हेल्दी रहता है, इवन वो अगर उसमें घी भी है तो वो हेल्दी है एक्चुअली, तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। देन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं अपने अंदर जो हार्ट की डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, लाइक डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको आप डायबिटोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखा के अच्छे से कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को मैनेज करें, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो उसके लेवल्स होते हैं उसको फुली कंट्रोल करें, चाहे वो डाइट हो चाहे वो दवाइयाँ हो, उसको अच्छे से कंट्रोल करें। देन स्लीप, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप जो है डेली इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज़ ना होने के लिए। और अगर एक हम बात करते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर घर में, अगर पेरेंट्स को कम एज में अगर हार्ट अटैक आया है 55 के पहले, अगर घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या ब्रेन का स्ट्रोक आया है, तो ऐसे फैमिलीज में बच्चों को भी इसी एज में या जर्ली आने का खतरा रहता है, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपनी जेनेटिक्स मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी, तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर निधीश मिश्रा सर, जिन्होंने हमें दिल से दिल की बात कही, और ये
हम भी दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दिल को थामने वाली बात है और दिल की सुरक्षा के लिए, जो कि हमारे सारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें इसका केयर जरूर करना पड़ेगा। किसी भी ऐसे वक्त जब आपको लगे कि कुछ ना कुछ मेरे शरीर के अंदर में बदलाव हो रहा है, तो ज़रूर हम डॉक्टर के पास में जाए, कंसल्टेशन जरूर, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे से बात करें। थैंक यू।